पुलिस हिरासत में आरोपियों की पहली तस्वीर सामने आई है। जरा देखिए इनके गौर से चेहरे। एक हमीरपुर, एक बांदा और एक कासगंज का रहने वाला है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। इनकी उम्र देखकर 25 से 30 साल के भीतर अंदाजा आप लगा सकते हैं कि ये छुटभैया अपराधी, लेकिन इसके पीछे यकीनन तस्वीरें देखकर आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कोई ना कोई बड़ा अपराधी इसके पीछे है, क्योंकि इनके पास से जिस तरह के हथियार बरामद किए गए हैं, टर्की में वो बनाए जाते हैं, 5 से 6 लाख रुपए के वो हथियार इनके पास आए कहां से, किसने दिया, होटल में रहने की व्यवस्था किसकी ओर से करवाई गई प्रयागराज में, कितने आराम से ये आते हैं, इनको बकायदा डमी कैमरा किसने मुहैया करवाया, इनको आई कार्ड फर्जी किसने बनवा कर दिया। कई ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना अभी बाकी है, लेकिन अंजाम तक ये भी पहुंचेंगे, क्योंकि अपराध जो करता है अपराधी को उसके किए की सजा मिलनी ही चाहिए और कम से कम समय पर मिल जाए ताकि सभी को राहत मिल सके। क्योंकि अतीक अहमद के मामले में भी हमने देखा 44 सालों से आतंक का राज जिसने बना कर रखा हुआ था, अभी 1.5 महीने पहले ही पहले मामले में सजा का ऐलान किया जाता है, उसको जिंदगी भर की जेल की सजा सुनाई जाती है। उमेश पाल अपहरण केस में इसके पहले किसी भी मामले में उसको सजा नहीं हुई थी। वहीं दूसरी तरफ ये आरोपी जिन्होंने अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ की हत्या की है पुलिस वालों के सामने, मीडिया कर्मियों के सामने, अब इनको इनके किए की सजा मिले और इनके पीछे आखिर कौन सा गैंग है, कौन सा चेहरा है जो काम कर रहा था, जल्द से जल्द वो भी देश के सामने आए।